हाय एवरीवन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो 2024 में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि डीयू से बीएड करने का क्या प्रोसेस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ़ी स्ट्रक्चर क्या है सीट मैट्रिक्स क्या है एग्ज़ाम कैसा आता है पैटर्न क्या रहता है सिलेबस कहाँ मिलेगा वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों डी से अगर आप बी करना चाहते हो तो डी के अंदर टोटल चार कॉलेजेस हैं बी के जिसमें आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी से बोलते हैं इसके अलावा आपका है लेडी इरविन कॉलेज इसके अलावा आपका है दोस्तों एम महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एक आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन ये चार कॉलेजेस हैं इन चार में से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है और जो आपका लेडी इरविन कॉलेज है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए बी एड होता है बाकी के जो दो कॉलेजेस हैं एम e. और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये कोवेड है यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं यहाँ आपके सामने सीट मैट्रिक्स गिवन है देखिए दोस्तों सबसे पहले जो लेडी इरविन कॉलेज है यहाँ पर जो बीएड करवाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होम साइंस में करवाया जाता है वुमेन्स के लिए ठीक है इस कॉलेज के अंदर सिर्फ होम साइंस के अंदर बी होता है टोटल 125 सौ सीट्स यहाँ रखी गई हैं और कैटेगरी वाइज सीट्स का डिवीजन आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर जो बी करवाया जाता है वो अलग अलग डिसिप्लिन में करवाया जाता है जैसे साइंस हो गया मैथ्स हो गया लैंग्वेज सोशल साइंस और कॉमर्स टोटल यहाँ पर भी 125 सीट्स हैं जिसको अलग अलग डिसिप्लिन वाइज डिवाइड करा गया है और उस डिसिप्लिन में कैटेगरी वाइज सीट्स को डिवाइड करा गया है इसी तरीके से जो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर भी अलग अलग डिसिप्लिन में बी करवाया जाता है साइंस मैथ्स लैंग्वेज सोशल साइंस अदर लैंग्वेज के अंदर आपका उर्दू और पंजाबी आ गया ठीक है और यहाँ पर भी टोटल 125 सीट्स हैं जिसको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग और फिर डिसिप्लिन में कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो कि वुमेन्स के लिए है यहाँ पर भी आपका साइंस मैथ्स लैंग्वेज सोशल साइंस और कॉमर्स में बीएड करवाया जाता है जिसको अगेन आप लोगों को कैटेगरी और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड करा गया है कॉलेज और सीट्स के बाद हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का डी से अगर आपको बी करना है तो अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग फीस है सबसे पहले तो आपको सीयूटी देना होता है डी से अगर बी करना है तो सीयूटी के अभी और डिटेल में मैं बात करूंगा आप लोगों से सीयूटी की फॉर्म की फीस जाएगी वन थाउजेंड की ठीक है उसके बाद आपको डी यू का सी एस एस काउंसिलिंग वाला फॉर्म भरना होता है जिसकी फ़ीस है ढाई सौ रुपये की और अगर आपका डी यू में बी एड में एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पर फीस लिखी हुई है यानी कि एक साल की फ़ीस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की छः हज़ार नौ सौ दस रुपये है लेडी इरविन कॉलेज की अराउंड चालीस हज़ार रुपये एक साल की फ़ीस है श्याम प्रसाद मुखर्जी के अराउंड सत्रह हज़ार चार सौ रुपये एक साल की फीस और महारि वाल्मीकि कॉलेज एजुकेशन की आठ हज़ार चार सौ रुपये की एक साल की फ़ीस है अब देखिए दोस्तों डी से जो बी होता है वो ऑब्वियसली अलग अलग पैटेगोजी में होता है आपको बी में एडमिशन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है सी का फॉर्म भरना होगा सी का जो तो एग्जाम है एज ऑफ एन लेटेस्ट न्यूज वो 11 से 28 मार्च के बीच होगा तो इसके जो फॉर्म है अराउंड जनवरी में निकल जाएंगे तो सबसे पहली चीज तो सी का फॉर्म आपको भरना होता है उस फॉर्म के अंदर आपको अपना पेपर कोड डिसाइड करना पड़ेगा अब ये पेपर कोड कैसे डिसाइड होगा पेपर कोड ऐसे डिसाइड होगा कि आपको बी किस पैडागोजी में करना है किस स्ट्रीम में करना है साइंस में करना है मैथमेटिक्स में करना है लैंग्वेज में करना है या फिर सोशल साइंस में करना है या फिर कॉमर्स में करना है अदर लैंग्वेज के अंदर पंजाबी या उर्दू में करना है या होम साइंस में करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आप जब डिसीजन ले लोगे कि आपको स्ट्रीम में बी करना है तो सबसे पहले सी के फॉर्म जब आप भरोगे तो उसमें आपको एक पेपर कोड सेलेक्ट करना होगा ये पेपर कोड का सिलेबस अलग अलग रहेगा जो अभी मैं डिस्कस करूंगा जैसे सी ओ क्यू पी जीरो सेवन है तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए है आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड साइंस या फिर फिजिक्स में बी करना है तो आपको ई वाला कोड का एग्जाम देना होगा अगर आपको मैथमेटिक्स में बी करना है तो सी ओ क्यू पी जीरो सिक्स का आपको एग्जाम देना होगा याद रखिए सी यू टी फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर कोड चूज करना है अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग और जब सी यू टी का एग्जाम हो जाता है उसके बाद डी का काउंसलिंग वाला फॉर्म निकलता है तो आपको फिर इन पैटागोजीज में से कोई एक पैडागोजी डिसाइड करना होती है फॉर्म भरते टाइम ठीक है अभी इनकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर अगर आपको कॉमर्स में बी करना है तो आपको सी ओ क्यू पी जीरो थ्री चूज करना होगा और ये सी ओ क्यू पी जीरो थ्री जो है ये अदर लैंग्वेज के लिए भी और होम साइंस के लिए भी आपका कंसिडर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ और अगर आपको सोशल साइंस में बी करना है सोशल साइंस के अंदर इकोनॉमिक्स हो गया जोग्राफी हो गया हिस्ट्री हो गया तो आपको सी ओ क्यू पी जीरो फोर कोड चूज करना है और इस कोड का जब एग्जाम आप दे दोगे तो आप इन सभी पैटागोजीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे फिर जब डी का फॉर्म निकलेगा देन यू हैव टू डिसाइड वन पैटेगोजी डी वाले फॉर्म में ठीक है ये आप इस चीज को ध्यान रखें अब हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगा ग्रेजुएशन या मास्टर्स उसमें आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए अगर आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी है वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है तो आपको उसमें पचपन परसेंट मार्क्स लाने होंगे तो इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा अब दूसरा क्राइटीरिया क्या कहता है दूसरा क्राइटीरिया पेडोगोजी चूज करने के लिए और पैडागोलॉजी कौन सा है जी जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपको इन एक पैडागोजी में से कोई एक पैटेगोजी चूज करना होगा जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री इंटीग्रेट साइंस मैथमेटिक इंग्लिश हिंदी ठीक है तो इनमें से आपको डिसाइड कैसे करना होगा वो आप समझ लीजिए तो यूनिवर्सिटी ये बोलती है कैंडिडेट विल हैव टू चूज वन सब्जेक्ट कैटेगरी एंड रिस्पेक्टिव सी पेपर फ्रॉम टेबल वन विच द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन द क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट टू मार्क्स एंड एट लीस्ट ट्रेडिट्स एज पर यू जी सी सी बी सी एस गाइडलाइंस इन कोर और इलेक्टिव कोर्सेज एंड ऑफ टेन एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट इसका मतलब ये है दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट पैटागोजी में लेने वाले हो वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़ा होना चाहिए और कम से कम बारह क्रेडिट का या दो सौ मार्क्स का आपने पढ़ा होना चाहिए और उसमें कम से कम पचास परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए तो ये आपका यूनिवर्सिटी का रूल है सब्जेक्ट कैटेगरी चूजन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फाइनल यानी कि जो डी यू वाले फॉर्म में सब्जेक्ट कैटेगरी आप चूज करोगे वो फाइनल होगी याद रखिए सी यू टी वाले फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ पैटेगोजी वन वाला सेलेक्ट करना है ये वाला ठीक है और जब डी यू वाला फॉर्म निकलेगा सी एस एस वाला उसमें आपको इनमें से अपने अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ेगा अगर आप मान लो सोशल साइंस स्ट्रीम के हो आपने बी एड का पेपर इसमें भी दे दिया और ये भी दे दिया लैंग्वेज का भी दे दिया और सोशल साइंस का भी दे दिया लेकिन जब डी वाला फॉर्म आएगा तो आपको कोई एक ही टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा ठीक है इस चीज का ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे क्या है जी द सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द सब्जेक्ट कैटेगरी विल बी कंसिडर एज अ टीचिंग सब्जेक्ट यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे वो टीचिंग सब्जेक्ट होगा थ्रू आउट बी आपको वही पढ़ना होगा अब यहाँ पे कुछ आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है कि आपको कौन सी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या चूज करना चाहिए उससे पहले यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी होम साइंस अगर आप देना चाहते हो तो वो सिर्फ ऑब्वियसली एल में ऑफर होगा जो मैं आपको बता चुका हूं ठीक है और इसके लिए ये सब डिग्री एलिजिबल होंगी यानी कि एम होम साइंस बी एस होम साइंस ये सब डिग्री एलिजिबल हैं इसमें परस्यू करने के लिए ऑल होम साइंस कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड साइंस एज पेडागोजी वन ऑप्शन एंड होम साइंस एज पेडागोजी इसके अलावा साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ इन दोनों कॉलेज में ऑफर किया जाता है ठीक है और सोशोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ऑफर किया जाता है पंजाबी और उर्दू जो है वो सिर्फ एम में ऑफर किया जाता है और कैंडिडेट विद बी एम ए इन मैथमेटिक्स और बी ऑनर्स विल ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी मैथमेटिक्स यानी कि अगर आप सब्जेक्ट कैटेगरी मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो इसके लिए अगर आपने बी ए और एम ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है अब वो दो सौ नंबर या बारह क्रेडिट जो भी है वो पढ़ा है या फिर बी कॉम ऑनर्स में पढ़ा है आपने तो आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल हो कैंडिडेट विद एम कॉम विल बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अगर आप कॉमर्स में बी एड करना चाहते हो डी यू से अगर आपको चाहिए कॉमर्स में बी एड और आप एग्जाम देना चाहते हो सी ओ क्यू पी जीरो थ्री का तो भाई कॉमर्स में बी एड करने के लिए डी यू में सिर्फ बी कॉम इनफ नहीं है आपको एम कॉम की डिग्री चाहिए होगी इस चीज का ध्यान रखें जी ठीक है अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही हैं पहला पॉइंट तो ये है अगर आपने बी ए प्रोग्राम की डिग्री आपने करी है तो आपको ये रिकमेंड करा जाता है कि आप टीचिंग सब्जेक्ट में सोशल साइंस चूज करें और पैटेगॉजी वन में ऑब्वियसली सब्जेक्ट कैटेगरी में भी सोशल साइंस चूज करें अगर आप अप्लाई कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री बी जनरल के बेसिस पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस आप पैडोगोलॉजी वन में भी चूज करें और पैडागोलॉजी टू में भी चूज करें यानी कि आप यहां पर आओगे तो यहाँ पे आप देखो साइंस वाला ऑप्शन में पेडागोजी वन में भी है और पैडोगोजी टू में भी है इसके बाद ये लोग बात बोलते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीकॉम पास यस आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफ फॉर कॉमर्स एज अब्जेक्ट कैटेगरी हाउ एवर इफ सच कैंडिडेट हैोग्राफी पोल साइंस और इकोनॉमिक और इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत फॉर एटलीस्ट दो सौ मार्क्स एंडिम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई टू दैट बी एड प्रोग्राम दे आर एडवाइज टू फिल इन साइंस लैंग्वेज एज दर सब्जेक्ट कैटेगरी बेसिकली ये लोग बोले जा रहे हैं कि जो बी या बी ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स के लिए तो एलिजिबल नहीं है लेकिन अगर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री पढ़ा हुआ है दो मार्क्स का तो वो सब्जेक्ट वो बी में दे सकते हैं और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपने बी ऑनर्स या बी ऑनर्स का कोर्स किया है तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है वो सब्जेक्ट आप पैटागोजी में चूज़ कर सकते हो चाहे वो हिस्ट्री पोल साइंस हो फिज़िक्स केमिस्ट्री है जो भी है कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री बी ए ऑनर्स विद एनी ऑफ द लैंग्वेज यानी कि ऑनर्स अगर आपने लैंग्वेज में करिए इंग्लिश हिंदी तो आप वो लैंग्वेज कंसर्न चूज़ कर सकते हो याद रखिए आपकी कोई भी डिग्री है अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हो बी ए प्रोग्राम में आपने पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज तो आप उसको ले सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज को कोई ऐसा इशू नहीं है ठीक है तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग अप्लाई करते हुए यानी कि अगर आपने बी प्रोग्राम पढ़ा है लैंग्वेज लेना चाहते हो ले सकते हो बी प्रोग्राम क्या है और पोलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है उसमें तो सिर्फ पोलिटिकल साइंस लेना चाहते हो ले सकते हो कोई ऐसा इशू नहीं है ठीक है तो ये सब कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं इसके अलावा कैंडिडेट अपलाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एम एस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एम कॉम की डिग्री जरूर से होना चाहिए ये तो इधर दोस्तों डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी एड कोर्स का अब बात ये आती है कि ये जो हमारे सामने कोड लिखे हुए हैं इनका सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको इनका सिलेबस आपको मिलेगा सी यू टी एन टी ए की ऑफिशियल वेबसाइट से ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन के सेक्शन में जाओगे और स्लेबी के सेक्शन में जाओगे यहाँ आप जब जाओगे तो आपको यहां पे कॉमन पे सेक्शन में जाना बिकॉज आपका कॉमन का है सारा सी ओ क्यू वाला है सारा इसको आप डाउनलोड करोगे इसमें सारा सब कुछ लिखा रहेगा कि आपका सिलेबस कोड वाइज क्या क्या है सीओ क्यू पी जीरो सेवन जीरो सिक्स जीरो फाइव जीरो फोर जीरो थ्री यानी कि थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपके कोड हैं तो ये इस पीडीएफ के अंदर आपको थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन का सारा सिलेबस मिल जाएगा जैसे मैं आपको जीरो थ्री पर ले चलता हूं ये जीरो थ्री का आ गया सिलेबस तो इसमें बी एड में ये लोग क्या बोलते हैं कि आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि हंड्रेड उसमें क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है दो पार्ट्स में आएगा क्वेश्चन पेपर पार्ट ए में पच्चीस क्वेश्चंस होंगे जो लैंग्वेज कंसर्न से रहेंगे फॉर द कैंडिडेट फॉर दिस कैंडिडेट टू अटेम्प्ट इन वन लैंग्वेज ओनली अदर इंग्लिश और हिंदी ठीक है ज कंसन आएगा इंग्लिश हिंदी आपको चूज करना पड़ेगा जब आप सी का फॉर्म भरोगे तो उसमें पार्ट ए को लैंग्वेज में देना चाहते हो वो चूज करना पड़ेगा और पार्ट बी में पचहत्तर क्वेश्चन होंगे जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रिलेटेड होंगे ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ बताया जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड जी वगैरह हो गया मैथमेटिक साइंस एंड एनवायरमेंट सोशल साइंस आर्ट म्यूजिक ये सब चीजें होगा इसके बाद सिलेबस आ गया आपका सी ओ क्यू पी जीरो फोर का जो आई थिंक सोशल साइंस का है तो इसमें भी आपके वही चीज है हंड्रेड क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड करा गया है पार्ट ए में पच्चीस क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कंप्रिंसन वगैरह से रिलेटेड पार्ट बी में बिहत्तर क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इसमें हिस्ट्री होगी पॉल साइंस होगी जोग्रफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स ये सब चीजें पूछी जाएंगी फिर इसके बाद सिलेबस आ गया लैंग्वेज का बी एड लैंग्वेज का सीओ क्यू पी जीरो फाइव का इसमें क्या है जी इसमें भी अगेन दो पार्ट होंगे पार्ट ए में पच्चीस क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज कम्पन वर्बल एबिलिटीज से रिलेटेड और पिछहत्तर क्वेश्चन डोमेन के होंगे जिसमें डोमेन में आपका हिंदी भी आएगा इंग्लिश भी आएगा संस्कृत भी आएगा याद रखिए आपको बी एड करना इंग्लिश में लेकिन जो भी सिलेबस में आ रहा है हिंदी का भी कवर करना पड़ेगा आपको इंग्लिश का भी और संस्कृत का भी ठीक है इसी तरीके से आपको बी एड सोशल साइंस के अंदर करना आपको लेट सपोज पोलिटिकल साइंस में लेकिन एग्जाम के अंदर ये सारे सेक्शन आपको पूछे जाएंगे कॉमन एंट्रेंस होगा ये सबका ये सबको पूछा जाएगा इसी तरीके से सीओ क्यू पी जीरो सिक्स बी एड साइंस का है इसमें भी आपका जो डोमेन का क्वेश्चन है उसमें आपका बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स फॉर्म साइंस और कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा और पार्ट ए के अंदर वही 25 क्वेश्चन लैंग्वेज कम्प्रिंसन से रिलेटेड पूछे जाएंगे अब वो इंग्लिश या हिंदी आपको फॉर्म भरते टाइम चूज करना है मैथमेटिक्स का आ गया मैथमेटिक्स में अगेन पार्ट ए में लैंग्वेज कॉम्प्रियशन पार्ट बी में आपके पिछहत्तर क्वेश्चन होंगे जो कि मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे तो ये बीएड का डिटेल सिलेबस है आप लोगों का ये प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए दोस्तों जो भी आपका सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज आप अपना बुक ख़रीद लो आप कोई ऐसी बुक ख़रीद लो सी की जिसमें ये टॉपिक्स कवर हो रहे हों जिसमें अरिहान्त की बुक आती है आर गुप्ता की बुक आती है ये सब ये सब बुक्स आप खरीद सकते हो इसके अलावा जो भी आपके डोमेन क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो एटलीस्ट टेंथ ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी आप इसको पढ़ो और इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा ठीक है लैंग्वेज सेक्शन अपना इंप्रूव करो वो सेक्शन अपना इम्प्रूव करो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है सोलली चोलिस के स्कोर के बेसिस पर होगा और ये एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा ठीक है तो इस बात से निश्चित रहे एक्सेप्ट लैंग्वेज सेक्शन जो लैंग्वेज सेक्शन है उसको छोड़कर बाकी सारे एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएंगे और आपके अराउंड जनवरी या फरवरी में सी के फॉर्म निकल जाएंगे फिर मार्च में वो एग्जाम सी का होगा उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर डी अपने फॉर्म निकालेगा मई जून तक और फिर आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर है वो चलेगा डॉक्यूमेंटेशन की जहां तक बात है दोस्तों आपको टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट अपना आधार कार्ड ये सब डॉक्यूमेंट होगा ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और एज सच कोई खास मेजर डॉक्यूमेंट कुछ भी इसमें नहीं चाहिए होता ठीक है और इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा काउंसलिंग वगैरह सब ऑनलाइन ही होती है जब कॉलेज खोलते हैं तो वहां पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है तो यही प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने का आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू